morning, students. Today we are going to discuss about the prepositions. In the previous lecture, we are also discussed about the prepositions, definitions, and some examples. आज की क्लास में हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे. प्रेपोजिशन टॉपिक है वो पढ़ेंगे संबंध बोधक अवयव. प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय. संबंध बोधक अव्यय, इसकी परिभाषा के बारे में हमने पहले चर्चा करी थी लास्ट क्लास में. ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड which is used place before a noun and pronoun to show its relation other noun and pronoun. अर्थात हम कह सकते हैं preposition वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के अपना संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट करे, प्रदर्शित करे, दिखाए, तो वो होता है preposition. फिर हमने करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन में दो चीजें देखी थी, इन और एट देखा था, बिहाइंड और आफ्टर देखा था. इन और एट का प्रयोग हमने बड़े और छोटे शहरों के संदर्भ में देखा था कि जहां बड़े शहर या बड़े देशों की बात आए तो वहां हम इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, छोटे शहरों की बात जहां आए वहां हम एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे. ये बात फिर आफ्टर और बिहाइंड. आफ्टर है और बिहाइंड दोनों का अर्थ बाद में या पीछे के सेंस में होता है. अब बिहाइंड है वो किसी स्थान के लिए और आफ्टर है वो समय के लिए. जब मैंने एग्जांपल दिया था कि आई कॉल यू आफ्टर लंच, कि मैं आपको लंच के बाद कॉल करता हूँ, ये आफ्टर का मतलब समय के संदर्भ में. या यू कहे स्टूडेंट्स आर सिट बिहाइंड द ड्राइवर, कि विद्यार्थी जो है वो ड्राइवर के पीछे बैठे. सपोज दैट ए बस है और बस में ड्राइवर बैठा हुआ है, पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए, तो बिहाइंड द ड्राइवर हो गया. या ए बॉय इज हाइड बिहाइंड द हट, बच्चा झोपड़ी के पीछे छुपा हुआ है. इसी करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन के दो बातें हमने कंप्लीट कर ली थी. अब हम बात करेंगे तीसरी की, जैसे बाय, विथ, फ्रॉम. बाय, विथ और फ्रॉम, ये तीन ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो हमारे कॉमनली यूज आते हैं और इसके वेरियस यूजेज हैं. मैंने हमारा एक एक एग्जांपल आपको मैंने यहाँ करके समझाया है. देखना, बाय और विथ से कार्य करने वाले, कौन काम कर रहा है, या द्वारा काम किस यंत्र के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा, किस साधन के द्वारा किया जा रहा है, इनका भाव प्रकट होता है. ध्यान से देखिए, बाय और विथ और बाय विथ और From. तो बाई और विथ से कार्य करने वाले व्यक्ति के बारे में, या कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह किस माध्यम से कर रहा है, किस साधन से कर रहा है, या उस यंत्र के द्वारा, इसका भाव प्रकट होता है. जबकि फ्रॉम से पृथकता का भाव प्रकट होता है, यानी किसी जगह से अलग होने का रेफरेंस यदि हमें देना होता है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं. जैसे हमने लेटर वगैरह लिखते हैं तो टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लिखते हैं, जहां से पत्र लिख करके भेजा जा रहा है वहां से फ्रॉम, और जहां पहुंचना होता है वहां टू लिखते हैं. एग्जांपल से इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं. देखना, द प्रोजेक्ट वॉज डन बाय रंजीत. द प्रोजेक्ट वॉज डन बाय रंजीत. प्रोजेक्ट जो यह है, प्रोजेक्ट का जो कार्य है वो पूरा कर दिया गया किसके द्वारा, रंजीत के द्वारा. और ये बाई जो है एज ए किस प्रकार का एक्टिव वॉइस की जगह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट को प्रीफर किया गया, यानी काम किसके द्वारा किया गया ये बात हमें बताई गई, तो बाई का प्रयोग हुआ है. दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. ए हंटर किल्ड टू बर्ड्स विथ वन शॉट. ए हंटर यानी एक शिकारी किल्ड यानी मारता है टू बर्ड्स यानी दो पक्षियों को विथ वन शॉट यानी एक तीर से दो पक्षियों को मारता. तो एक साथ का रेफरेंस आ रहा है, कैसे मारने का रेफरेंस कैसे आ रहा है. ए हंटर किल्ड टू बर्ड्स विथ वन शॉट यानी एक तीर से वो दो को मार लेता है, तो कार्य करने वाले का भाव प्रकट हो रहा है विथ वन शॉट. कैसे मार रहा है, एक शॉट से मार, विथ वन शॉट. दोबारा देखिए, ए हंटर किल्ड टू बर्ड्स
एक शिकारी दो जानवरों को मारता है, दो पक्षियों को मारता है विद वन शॉट यानी एक ही निशाने में। तो वित्त का प्रयोग और बाई का प्रयोग कार्य करने वाले या कार्य करने वाले के यंत्र के भाग को प्रकट करता है। अगला एग्जांपल देखो जो ये पटकता है, ए बेबी फेल फ्रॉम द बेड, ए बेबी फेल फ्रॉम द बेड, एक छोटा सा बच्चा जो है वो बेड से गिर जाता है। तो बेड पे पहले वो सोया हुआ था तो उसको टच था, नीचे गिर जाता तो उससे अलग हो जाता है। तो कहाँ से गिरा बच्चा, फ्रॉम द बेड, या यू कहो ए बेबी फेल फ्रॉम द रूफ, छत से गिर गया, पहले छत के ऊपर था वो गिरा तो नीचे चला गया। ए बेबी फेल फ्रॉम द टेबल, पहले वो टेबल के ऊपर था फिर नीचे गिर जाता तो टेबल से वो पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। इस तरीके से ये तीन चीजें भी आपने इसको ढंग से देखा होगा, बाई विथ एंड फ्रॉम, बाई और विथ में कार्य करने वाले या कार्य किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, किस माध्यम से किया जाता है उसका भाव प्रकट होना चाहिए, जबकि फ्रॉम से पृथकता का भाव है वो प्रकट होता है। ये बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल्स, द प्रोजेक्ट वॉज डन बाय रंजीत, या यूं मैं कहूं जैसे राम वॉज किल्ड बाय रावण, राम रावण वॉज किल्ड बाय रावण है वो राम के द्वारा मारा जाता है। रावण को किसने मारा, राम ने मारा। तो ये भाई काम करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, भाई राम किसके, रावण किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। तो भाई प्रीपोजिशन का यूज हो गया। इस तरह से ये तीन जो प्रीपोजिशन हैं वो आपकी कंप्लीट होती है, भाई विथ एंड फ्रॉम। अगली तरफ बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है बिसाइड और बिसाइड्स। बहुत सिंपल सी चीज है, पहले ये मीनिंग पता होना चाहिए कि इनका स्पेलिंग में एस का ही डिफरेंस है, लेकिन एस के डिफरेंस के साथ इनके यूज में डिफरेंस आ जाता है। बिसाइड और बिसाइड्स, देखो बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग है वो अतिरिक्त एक्स्ट्रा हमें कुछ चीज देनी है तो उसके लिए करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का यूज निकट के लिए, हमें ध्यान देना है निकट के लिए, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग जो है वो अतिरिक्त, हमें कुछ चीज एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए। जैसे मान लो कोई मार्केट जा रहा है, उससे हमने कोई एक चीज मंगाई और उससे अतिरिक्त एक चीज और ले आता है, एक्स्ट्रा ले आता है, उस दृष्टिकोण में तो हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। कोई किसी वस्तु को चीज किसी के नजदीक है तो उसके लिए हम बिसाइड का यूज करेंगे। देखना दो एग्जाम्पल्स है, हर बेडरूम इज बिसाइड द बाथरूम, उसका शयन कक्ष, बेडरूम शयन कक्ष जो है इज बिसाइड द बाथरूम, बाथरूम के निकट है, बिसाइड यानी निकट, नजदीक, पास में। हर बेडरूम इज बिसाइड द बाथरूम, उसका शयन कक्ष है वो बाथरूम के पास है, स्नान घर के पास है। अभी ऐस लगते हैं, देखना कैसे, बिसाइड से पेन, एक पेन के अतिरिक्त राजन बाउट ए नोटबुक, उसने पेन के अलावा एक नोटबुक भी खरीदी है। तो यहाँ बिसाइड्स का अर्थ अतिरिक्त हो गया, अलावा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, यानी जो चीज हमने बताई थी उससे ज्यादा हो गया। तो दोबारा देखिए, बिसाइड एंड बिसाइड्स, इनका अर्थ होता है जैसे मतलब निकट, नजदीक या कोई चीज एक्स्ट्रा लेनी हो, तो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या, बिसाइड का प्रयोग तो निकट के लिए, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए होता है। क्लियर हो गई बात, बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए और बिसाइड्स का प्रयोग है वो अतिरिक्त के लिए होता है। हर बेडरूम इज बिसाइड द बाथरूम, उसका शयन कक्ष जो है वो स्नान घर के पास में है या बाथरूम के पास में। बिसाइड्स द पेन, राजन बाउट ए नोटबुक, राजन जो है वो पेन के अतिरिक्त नोटबुक भी लेता है। बिसाइड्स एक पेन के अतिरिक्त राजन बाउट ए नोटबुक। अब देखना, बाई का प्रयोग हमने ऊपर भी देखा था, अब समय के संदर्भ में आएगा। बाई और टिल, ये जो बाई जो था वो किसी कार्य करने के वाले के डिफरेंस में था, अब यहाँ पर ये जो बाई और टिल हमने दोबारा लिखा है, दोनों ये समय के संदर्भ को बताएंगे। टाइम रेफरेंस में बाई का यूज और ये जो है वर्क करने के रेफरेंस में बाई का यूज। अब बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जबकि टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। जैसे हमने टेंस पढ़े थे उसमें फॉर और सिंस का यूज पढ़े थे, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को भी नीचे भी आएंगे इसमें, जिसके जस्ट बाद में ही।
बाई का प्रयोग जो होता है वो निश्चित समय के लिए, जबकि टिल का प्रयोग जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। बाई और टिल में डिफरेंस क्या है? दोनों समय के लिए यूज किए जाएंगे, लेकिन अंतर कहाँ है? बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए, टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। टिल का प्रयोग जो है वो अनिश्चित समय। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई शैल वेट टिल ही मस्ट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ। ही मस्ट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, वह अभी जस्ट पहुंच गया। ही मस्ट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, वह अभी पहुंचा। अभी का समय जो एग्जैक्ट टाइम है, निश्चित टाइम है। फिर आई शैल वेट टिल नाउ यू रिटर्न, मैं आपका तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप नहीं आओगे। अब उसके आने की कोई निश्चितता नहीं है कि मैं एक घंटे में आऊंगा, दो घंटे में आऊंगा, दो बजे आऊंगा, तीन बजे आऊंगा, कब आऊंगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए यहाँ टिल, और इधर निश्चितता है इसलिए बाई। तो समय के संदर्भ में बाई और टिल का जो यूज होता है, बाई इज यूज बाई पॉइंट ऑफ टाइम एंड टिल इज यूज पीरियड ऑफ टाइम। ये दो बिंदु थे बाई और टिल को लेकर के। आगे हम देखेंगे सिंस और फॉर। अब देखिए सिंस और फॉर जो होता है, सिंस और फॉर ये भी निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए ही यूज होता है, लेकिन इनका यूज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो भी होता है। अब जैसे मान लीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बात कर लेते हैं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब चाहे ये प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, यानी तीनों तरह के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसमें फॉर और सिंस का यूज होता है। तो निश्चित समय जो होता है उसके लिए तो सिंस, और फॉर जो है वो अनिश्चित समय के लिए। तो फॉर और सिंस की जो बात होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जहां पर भी आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, सभी में फॉर और सिंस का यूज होता है। अब कहां और किस संदर्भ में होता है? टाइम एडवर्ब के पहले होता है, और उसके बाद भी फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए सिंस और फॉर, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, सीधी सी बात है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, और अनिश्चित समय के लिए फॉर, चाहे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर किसी का भी टेंस का भी वाक्य हो, लेकिन समय अगर अनिश्चित है, टाइम एडवर्ब यदि अनिश्चित है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा? फॉर का यूज किया जाएगा। देखिए राहुल हैज बीन लर्निंग हिज लेसन, लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग निश्चित होती है, सुबह निश्चित है, तो इसलिए सिंस का यूज हो गया। टेंस कौन सा आ रहा है? हैज बीन आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। मेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। देखना दे हैड बीन प्लेइंग लूडो फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से लूडो खेल रहे थे। अब देखो थे क्यों लिखा मैंने, इधर हैड बीन आ गया, इधर फॉर क्यों लिखा? फॉर 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे? इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि 2 घंटे कौन से हैं। फिर यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, आप 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब कौन से 3 घंटे हैं? अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का यूज कर दिया। और विल हैव बीन आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। इस प्रकार से प्रेपोजिशन का जो ये चैप्टर है आपकी क्लास के लिए वो आज कंप्लीट होता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कंजक्शन और इंटरजेक्शन 2 टॉपिक और हैं, वो करवाएंगे, उसके बाद में आपको चैप्टर स्टार्ट। अब आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है अच्छे से, और उनको याद करना है।